आपने देखा होगा, हम मंडला जिला की बात करें या बैहर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, इधर जितने भी आदिवासी क्षेत्र की बात करें, कहीं से भी एक निर्दलीय विधायक सांसद नहीं बना पाए होंगे। सोच लो, हमने कहीं से भी एक निर्दलीय विधायक नहीं बना पाया, कहीं भी। पूरे इतने आदिवासी मिले हैं सब लोग, पर वो कोकराझर जो असम है, वहां के लोगों ने एक निर्दलीय सांसद जिता करके हमारे मंडला जिला में भी हमको यहाँ दर्शन करने को भेज दिया। निर्दलीय है, कोई दल का नहीं, कोई पार्टी का नहीं, तो क्या इतना दम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम तो कहते नहीं यार, भाई तो कहा अंग्रेज जीते में लगा था, ये जो गोल लाने वाले कहा करत कह देने मतलब, अब भाई तो बीजेपी जीते चाहे रहे तो बाधेसी में जीते कहा, बस हम ऐसे ही बोलते हैं, एक तरफ रोटी बस इधर 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 ऐसी कर रहा है ना। जितना भी रिजर्व क्षेत्र है बैहर में देखेंगे, गणपत सिंह उनके थे पहले सुधनवा नेता, दोनों लड़ते थे, सुधनवा नेताम हारता था गणपत सिंह जीतता था, गणपत सिंह हारता था सुधनवा नेताम जीतता था। इसके बाद में क्या हुआ, उनका बेटा भगत नेताम जीतने लगा, इसके बाद गणपत सिंह का बेटा संजय उइके जीतने लगा। अब पहले बाप लड़ते थे, बाद में बेटे लड़ने लगे, और उनको ही हम जिताते रहे, एक टन निर्दलीय नहीं जिताया, धन्य है, धन्य है हम लोग। अरे निर्दलीय भी जिताने की क्षमता रखना चाहिए हमको, पर हमने अभी तक ऐसा नहीं किया। पर उन कोकराझर के लोगों ने उन्हें कांग्रेस और भाजपा के लोगों को दरकिनार कर दिया और निर्दलीय भी जिता के रख दिया। तब हमने मिन्नत किया, निवेदन किया सांसद महोदय से कि हमारे इधर भी आइए, मंडला में भी आइए, मंडला में क्या आना चाहिए आपको? हमने कहा इसलिए सांसद महोदय जी, यहाँ का डोलोमाइट का पत्थर जाता है, करोड़ों अरबों रुपए जो यहाँ डोलोमाइट माइंस है, यहाँ से पूरा ट्रेन भर भर के पूरे रात दिन ट्रेन जा रहा है। आपको देखना होगा, अभी जब हम जब यहाँ मीटिंग लगा रहे थे इसी कार्यक्रम को लेकर के, तब यहाँ के लोगों ने कहा कि मालगाड़ी खड़ी हो जाती है, जब उधर से ट्रेन आती है, उस ट्रेन से सवारी उतरता है, तो जो ऊपर से चढ़ के आते हैं तो रास्ता ही बंद हो जाता है, तो मालगाड़ी के नीचे से बिचक बिचक करके आना पड़ता है इस साइड में। बताओ ये फग्गन सिंह कुलस्ते को ये भी नहीं दिखता, बताइए। तो आज धन्य है हमारे कोकराझर के सांसद, जो आज फग्गन सिंह जो बात नहीं कर पाए, वो बात वो उठाने की बात कर रहे हैं सांसद में, बताइए संसद में। आज ये बात होनी चाहिए, इसलिए हमने कहा था, निवेदन किया था कि महोदय जी आप आ जाइए और यहाँ पर ये बात जरूर रखिए, हमारे यहाँ की डोलोमाइट जाने लगी, पर यहाँ से जो है हमारे जो है रेल लाइन की सुविधा भी नहीं है, ना बिछिया तक नहीं जा पाते। अगर एक रेल लाइन चली जाती मलांज खंड, एक रेल लाइन चली जाती हुकुआ तक के, तो हमको आने जाने का होता, और जो ओवरनाइट रुकी हुई रहती है जबलपुर में, अगर वो मंडला से बन गया होता तो मंडला से हमको इंदौर और दिल्ली तक जाने को हमको सुविधा मिलती। पर ये सांसद कुरस्ते ने ये खुद पता नहीं बस वालों से सांठ गांठ किया होगा, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट ना इंदौर चलती है ट्रेन, ना चलती का नाम आपके दिल्ली तक नहीं चल रही। कहां तक चलती है ट्रेन? जाती है जबलपुर तक के, जैसे छोटे ट्रेन चलती थी ना, उतने ही टाइम लेती है, वैसे ही चलती है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ब्रॉड गेज का, नैरो गेज का, छोटा गेज, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। धन रे कुलस्ते, इसलिए हमने कहा कुलस्ते तेरे बेइज्जती करने के लिए हमको, हमारे पास में भी सांसद है, कांग्रेस का सांसद नहीं है, बीजेपी का सांसद नहीं है, हमारे पास में एक सांसद है, और वो सांसद है निर्दलीय सांसद है, और वो जाकर के संसद में दहाड़ेगा। आपको देखना होगा साथियों, आपको और बता देना चाहूंगा कि सांसद महोदय ने गोंडी धर्म के बारे में भी सांसद में बोला, पहला सांसद है, चाहता तो फग्गन सिंह कुलस्ते बोल लेता ना, फग्गन सिंह कुलस्ते बोल लेता, पर नहीं बोला संसद में, दिल्ली में लोकसभा भवन में। अगर पहला आदमी गोंडी धर्म के बारे में अगर किसी ने बोला तो जी, जो हम धन्यवाद के पात्र हैं, और हम पूरे समाज के लोग उनका बहुत बहुत आभारी रहेंगे। कम से कम आपने सदन के अंदर तो बोला, और अभी भी हमने कहा है, माननीय सांसद जी को हमने लिखा भी है और कहा भी है कि जो करोड़ों लोग गोंडी भाषा बोलते हैं, करोड़ों लोग गोंडी भाषा बोलते हैं, पर उस गोंडी भाषा को स्कूल में नहीं पढ़ाया गया,
एक अंग्रेजी संस्कृत बोलने वाले कहीं नहीं दिखेंगे, टॉर्च लेके ढूंढोगे तब भी कोई नहीं मिलेगा, पर संस्कृत का समाचार सुबह और शाम को रोज सुनाई देता है। और गोंडी बोलने वाले लोग हजारों करोड़ों लोग हैं, इसके बाद भी उनको पढ़ाया नहीं जाता, उनको उसकी भाषा को अपमान किया जा रहा है। इसलिए हमने सांसद महोदय जी से निवेदन किया था कि आप आएंगे और इस बात को अभी मानसून सत्र में इस बात को गोंडी भाषा को भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सांसद महोदय आप संसद के अंदर में जरूर चिल्लाएंगे। ये करोड़ों लोगों की आवाज बन करके आप जरूर संसद के अंदर में चिल्लाएंगे। हमारा यही कर्तव्य निवेदन आपसे, इतना अगर हो जाते हैं महोदय तो हमारा जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वर्षों से लड़ रहे हैं, दादा हीरा सिंह मरकाम जी भी, मोती रावण गंगाली जी भी एक बीड़ा लेकर के निकले थे, वो भी चले गए और बाद में हम भी ना चले जाएं। इसलिए आपसे हमको निवेदन है, हम तो सांसद नहीं बना पा रहे हैं, हम तो एक निर्दलीय विधायक नहीं बना पा रहे हैं, कम से कम आप लोग पूर्वोत्तर के आदिवासी धन्यवाद के पात्र हो, आप लोग बना लेते हो तो आप लोगों से कृपा निवेदन है कि कम से कम हमारी आवाज को आप सदन में उठाते रहिए, लोकसभा में उठाते रहिए। और मैं और सांसद महोदय जी से चाहूंगा कि आप लोगों के बीच में दो शब्द कहते हैं कि वो गोंडी भाषा के लिए लोकसभा में इसी मानसून सत्र अभी मानसून सत्र चलेगा जुलाई अगस्त में, तो इसमें जरूर उठा देंगे और आप लोगों के बीच में आश्वासित करेंगे आप लोगों को। एक बार का लास्ट जो पार्लियामेंट था सेशन चला नहीं, आपको पता है थ्री सेमेंट में बोलने को मौका मिलता है लेकिन मौका नहीं मिला, लेकिन हम उसको प्लेस करने का मौका मिला है। ऑलरेडी शासन को हमने रिकॉर्ड में आ गया है जो धर्म और भाषा को गोंडी भाषा को एच डी में लाना है और हमारे अपने आदिवासी के लिए एक अलग से धर्म कलम लेना से, ये दोनों तो हम बोल दिया फिर हम बोलेंगे। और दूसरा बात, ये जो आज मैं जबलपुर से यहाँ तक जो आया, मैंने देश का सारा नेशनल हाईवे घुमा है लेकिन इतना खराब नहीं दिखा है, मैंने पहले से भी पूछा है, ये सारे पांच साल से ऐसा ही है। जरूर ये हम नितिन गडकरी जी को ये मैसेज आपको भेज देंगे, एक्चुअली जबलपुर ये वाला हाईवे इतना खराब है, आपको कुछ करना है। और दूसरा बात, रेलवे का जो है हम रेलवे मिनिस्टर को भी बोलेंगे, पार्लियामेंट मौका मिलेगा तो मिलेंगे, नहीं तो हम ऐसे मिलकर बोलेंगे। ये जो कनेक्टिविटी है जरूर मंडला का लोगों को, यहाँ का लोगों को जरूर ये मौका मिलना चाहिए रेलवे का कम से कम कम्युनिकेशन, क्योंकि हम हमारा भी दिक्कत है। अभी दिल्ली से जो आएंगे यहाँ तक हो गया तो आपको भी दिल्ली जाना अच्छा है, हमको भी आना है, क्योंकि आज का डेट में रेलवे लगभग सब लोग, चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो, सब लोग रेलवे यूज करते हैं। और एक बात, लेकिन खराब बात ये हो गया, बहुत सारे लोग बोलते हैं मोदी जी के शासन में लास्ट कोविड के बाद उन लोगों ने पैसेंजर ट्रेन को ज़रा बढ़ावा नहीं दिया है, वो जो मालगाड़ी है ना जो हमारे यहाँ से सामान ले जाते हैं उसको ज़रा बढ़ावा दिया है। इसलिए हम बोलते हैं पॉलिसी लेवल में हमको जाना है, इस बार कम से कम 24 में आप लोगों को मध्य प्रदेश में कम से कम आपकी तरफ से 5 MP भेजना ही भेजना है, ठीक है। उसके पहले MLA आएगा, MLA एक नहीं, कम से कम 50 MLA इस बार जीता रहे हैं, उसके लिए जो करना है हम आपको साथ देंगे, कहीं पे कोई कमी नहीं होगा। दुर्गु भाई के नेतृत्व से हम लड़ेंगे सारा लोग, ठीक है, उसमें श्याम भाई, फुलेश्वर भाई, हमारा ये कलाकार भाई भी है थोड़ा, सब लोग आना है उसमें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। और हम बहुत उम्मीद करते हैं कि आपका जो पूरा देश भर में आप चाह रहे हैं कि 50 कम से कम सांसद हो जाएं उस सदन में घुसने के लिए, तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, इस बार ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, सांसद आपका, विधायक आपका, सब चुन करके और भोपाल और दिल्ली में आप ही आप लोग हो, वहाँ जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी की बात होनी चाहिए। और इसी के सब रेत माफिया मिलकर उन्हें जेल भी भेजे, किंतु मंजारा जी को सुबह गिरफ्तार कराया जाता है, 2 बजे वो रिहा होते हैं, और मंजारा जी ने रेत माफिया के घर में लगभग 2000 के फटाके फोड़ा, तो रेत माफिया को लगा कि आदमी को अंदर कराने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ऐसे क्रांतिकारी नेता जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, माननीय कंकर मंजारे जी, भूतपूर्व सांसद आपके बीच में आएंगे और अपनी बात रखेंगे। देख रहा हूँ।